claiming that there is no government policy to protect and support the traditional bakers, the All Goa Bakers and Confectioners Association has decided to hike the price of palm local bread by rupees 1. Hence, from October 2nd onwards, palm will cost you 5 rupees instead of 4 rupees. Speaking to media, the president said that a palm weighing 50 grams will cost about 5 rupees at retail outlets. तो जैसा कि ये रेट बढ़ रहा है, आप जानते होंगे कि महंगाई भी बढ़ी जा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ता रहा है, तो आपको दिक्कत होती है ये सारा ट्रांसपोर्ट करने में? गोवा में बहुत सारा जो ट्रेडिशनल पोई है वो बाहर से भी सप्लाई होता है जो सस्ते दाम पे मिलता है, तो आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार को उनके ऊपर कुछ नियम लागू करना चाहिए ताकि जो आप लोकल हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले इनके बिजनेस में? ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से। आज पाव पांच ही रेट वाढ़े आसा, या आता कई दिशा पैला पेट्रोल वाड़ा गैस सिलिंडर वाड़ा तो पाव ही वाढ़ो आसा। आता लोकानी करपे कि बाइक चलोक मेवना, रांधप मेवना, आनी खाप पाव ही मेवपो ना। आता पाव मैं थोड़ा दिशा दे थोड़ा दिशा लग्जरियस कम्युनिटी जी फकत को पैशांकर आते अफोर्ड करूं शकते। पैलो पाव मुझे स्टेबल डाइट आ हमारे गोयन सगल्यांक पाव शिवाय जायनासले दिसाक, सकाळ ब्रेकफास्टाक जाऊं सांची चायेक जाऊं पावची पाव जालो, पण आता तो वाढून वाढून 5 रुपयांच्या वयर पावला। थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता 10 रुपया पासून जातलो। हांव मागता गव्हर्मेंटान ह्या पाव जे पाव इंडस्ट्रीन आसा, जे आमचे पदेर भाव आसा, तांकां सबसिडी दिवची, ते करून ते आमकां अफोर्डेबल रेटीक पाव दिवंक शकतले, कित्याक पाव हो सगळ्या घरांनी लोक खाता।